हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो पेपर होगा वो सब्जेक्टिव रहने वाला है कि ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड देन फिफ्थ सेमेस्टर, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो। देखो, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में तो पेपर पैटर्न क्या है, ऐसे कैसे स्टार्टिंग कर दूं मैं भाई, लाइक कर दो और वीडियो को पूरा देखने के बाद में शेयर कर देना एंड देन सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देन आपको बताते हैं कि इस बार का पेपर पैटर्न सब्जेक्टिव रहने वाला है कि ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक है। बाकी अब आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम है जिसमें हम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मतलब अपडेट डालते रहते हैं स्टोरी के जरिए, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी अपडेट है जो हमारे रील्स के जरिए आपको पता लगती रहती है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियोज हम वहाँ पे डालते हैं, डेफिनेटली आपको पसंद आएगी, तो उसको फॉलो कर लेना, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस बार का जो पेपर पैटर्न है, यानी कि पेपर भाई आपका ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि ऑप्शनल OMR शीट के आधार पर होगा, जो गोले भरने वाला पेपर होता है ना, ठीक है, या फिर आपका रिटन में होगा यानी कि सब्जेक्टिव होगा। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में तो आपका जो पेपर पैटर्न होता है फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, तो ये जो सेमेस्टर है इनमें कम्प्लीटली आपका जो पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में तो यही पेपर पैटर्न है, लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर ये पेपर भी ऑप्शनल बेस पर होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव, यानी कि जिसमें आप गोले भरते हैं ऑप्शनल, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम नहीं आते हैं ना, ठीक वैसे ही होता है। तो मुझे ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं सिर्फ आपको तुक्के में बता दूँ और आपका सब्जेक्टिव आ जाए और आप ये बोलो कि नहीं मैम ने तो हमें ऑब्जेक्टिव बताया था, हमने तो वही प्रिपरेशन की थी, देखो पेपर तो अलग आ गया। तो मैं ऐसे भी तो तुक्का नहीं मार सकती ना, तो मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताती हूँ, ठीक है। तो जैसे MSU है, महाशाकुंभरी यूनिवर्सिटी है, उसका सब्जेक्टिव आता है, और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड जो आसपास है स्टेट में, यूपी में, जिसमें सब्जेक्टिव आता है। लेकिन फिर भी अगर आपकी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव आ रहा है, यानी कि आपने जैसे सीनियर से बात करते हैं, जैसे कोई अभी फिलहाल सेकंड सेमेस्टर में है और आपने उनसे पूछा कि फर्स्ट सेमेस्टर में किस प्रकार का पेपर हुआ था, ऑप्शनल या सब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, तो उन्होंने आपको बताया है जिस भी आधार पर हुआ है, तो आप हमें नीचे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। तो वैसे तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में आपका पेपर पैटर्न फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड देन फिफ्थ सेमेस्टर का आपका सब्जेक्टिव ही रहता है। एंड दोस्तों, एक दो दिन में ना हम लाइव सेशन भी लेने वाले हैं, तो उसके नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। और बाकी इन्फॉर्मेशन पसंद आई थी तो फटाफट से इसको लाइक कर दो, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है जिनको नहीं पता है पेपर पैटर्न के बारे में, उनको वीडियो शेयर कर देना, ठीक है, और बाकी सब्सक्राइब आप कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।